all the learners of Mathematic Maths Adda, myself Vinay Pandey. Students, मैंने आपको जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि जो मैकेनिक्स का सिलेबस है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में. इसी सीक्वेंस में जो दूसरा वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, अब हम टॉपिक वाइज जो हमारे चैप्टर्स हैं वो शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर जो शुरू कर रहे हैं वो है स्ट्रिंग्स इन टू डायमेंशंस. स्ट्रिंग्स इन टू डायमेंशंस में हमको पढ़ना है कॉमन कैटेनरी. कैटेनरी की अगर हम बात करें तो कैटेनरी इज अ यूनिफॉर्म चेन विच हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी बिटवीन टू पॉइंट्स लाइंग नॉट लाइंग इन अ वर्टिकल लाइन. अब मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अगर हमारे पास कोई भी एक चेन है और उसके हमने दो पॉइंट को वर्टिकल लाइन में नहीं लेना है, दो पॉइंट्स को फिक्स कर दिया हॉरिजॉन्टली. इन पॉइंट्स को हैंग करने के बाद जो कर्व हमको ऑब्टेन हो रहा है, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, कैटेनरी. इस कर्व को क्या बोला जाता है, कैटेनरी. ठीक है, इट इज अ चेन विच हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी. फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कोई कंडीशन हम इसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं. और उसके साथ साथ क्या होगा कि ये दोनों पॉइंट जो इसके एंड पॉइंट है ये वर्टिकल लाइन में नहीं होंगे, हॉरिजॉन्टली. हो सकता है एक ये पॉइंट नीचे हो जाए और एक ऊपर हो जाए, लेकिन वर्टिकल लाइन में नहीं होगा. और अगर इसका वेट पर यूनिट लेंथ, यानी कि डेंसिटी भी कह सकते हैं इसको, डेंसिटी अगर कॉन्स्टेंट हो जाए, अगर इस कैटेनरी में इसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट हो जाए तो इसको हम बोलते हैं कॉमन कैटेनरी. उस केस में इसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन कैटेनरी. अब देखते हैं इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है कॉमन कैटेनरी. कॉमन कैटेनरी के बाद अब हम देखते हैं कि कॉमन कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन कैसे निकाली जाती है. कॉमन कैटेनरी में मैंने आपको क्या बताया कि इसका जो डेंसिटी होगी या वेट पर यूनिट लेंथ होगा थ्रू आउट क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा. तो हमने क्या किया, एक बी ए सी एक कॉमन कैटेनरी ले ली है, और जिसका बी और सी जो हमने पॉइंट लिया हुआ है वो क्या है, हॉरिजॉन्टली फिक्स किया हुआ है, और जो ए पॉइंट है वो वर्टिकल लाइन में इस पॉइंट पे आ रहा है. अब इसमें हमने क्या किया, ये एज एक्स एक्सिस ले ली और ये वाई एक्सिस ले ली, और इसको हमने ओरिजिन ले लिया. ये आप छोटी सी क्लास 11 12 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर आप किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालो, अगर आपको किसी भी कर्व की इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या करते हैं, उस जो भी कर्व हमको जिसका जिसकी इक्वेशन हमको निकालनी है, उस कर्व में एक पॉइंट हम कंसिडर करेंगे. और वो पॉइंट मैंने क्या कंसिडर कर लिया, कैपिटल पी. ये कॉमन कैटेनरी थी, और इस कॉमन कैटेनरी में आप कहीं पर भी एक पॉइंट क्या ले लेंगे, उसकी बाउंड्री में हमने ले लिया पॉइंट पी. और ये मान लिया कि जो ये कॉमन कैटेनरी हमने ली है, इसमें इसका स्मॉल डब्ल्यू क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ. और ये जो आर्क यहां से ए से पी तक की आर्क बन रही है, इस आर्क ए पी, इस आर्क ए पी की लेंथ हमने मान ली क्या, स्मॉलेस्ट, ए से पी तक की लेंथ. अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, डब्ल्यू और एस को मल्टीप्लाई किया जाए, तो डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट पर यूनिट लेंथ को, और एस क्या है, ए से पी तक की लेंथ. तो ये डब्ल्यू एस क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेट ऑफ आर्क एपी. आर्क एपी मीन्स इस चेन का जो एपी लेंथ बन रही है उसका जो टोटल वेट होगा वो कितना होगा, पर यूनिट वेट को आप उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस. अब देखते हैं हम इस छोटे से पार्ट, इस छोटे से पार्ट एपी में कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे हैं. हमने देखा कि ये जो ए से पी तक का टोटल वेट है वो कितना है, डब्ल्यू एस. तो ये डब्ल्यू एस वाला जो फोर्स है ये कहां को वर्क करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और ये जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट में इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में, इसके टेंजेंट के डायरेक्शन में जो ये फोर्स लगेगा वो हमने मान लिया क्या, टेंशन मान लिया हमने टी. क्योंकि ये जो पी पॉइंट हमने लिया है इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक फोर्स वर्क करेगा, उस फोर्स को हमने मान लिया टेंशन टी. और इस ए पॉइंट पर भी एक टेंशन वर्क करेगी, उसको हमने मान लिया क्या, टी नॉट. ठीक है, तो ये जो टेंजेंट हमने टी पी पॉइंट से हमने बनाते हुए पी पॉइंट से जो टेंजेंट बनाई थी, इस पर जो टेंशन टी वर्क कर रही है, इसका एक्स एक्सिस से बनने वाला जो एंगल है वो हमने मान लिया गया साइन. तो कितने फोर्सेस इसमें वर्क कर रहे हैं, देखिए आप ध्यान से, इस एपी पर फोकस आपको करना है बस. इस एपी में पी की डायरेक्शन में, टेंजेंट की डायरेक्शन में एक टेंशन टी हो गया, इस ए की डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली टी नॉट हो गया टेंशन, और एक डब्ल्यू एस जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है.
बेसिक फोर्सेस हम बात करें तो एक टी है टेंजेंट की डायरेक्शन में, एक टी नॉट है एक टेंजेंट की डायरेक्शन में, और एक लास्ट फोर्स है डब्ल्यू एस। लेकिन कैटेगरी जो हम बात कर रहे हैं, डेरिवेशन जो हम कर रहे हैं, वो किस पे कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम में कर रहे हैं। और अगर हम इक्विलिब्रियम में उसका डेरिवेशन कर रहे हैं तो फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि वो फोर्सेस जो है जितना ऊपर को लगेगा उतना नीचे को भी लगना चाहिए, जितना इधर को लग रहा है उतना इधर को भी लगना चाहिए। तो ये जो टी वाला जो टेंशन है, जो हमने टी ये टेंशन लिया है साई की डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। ये जो टी वाला जो टेंशन बन रही थी हमारी, एक तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, टी कॉस साई, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा टी साइन साई। ठीक है, तो ये टी जो फोर्स था, इस टी फोर्स को भी दो पार्ट में डिवाइड हमने कर दिया, एक टी टी कॉस साई एक हो गया और एक हो गया टी साइन साई। अब इसके डेरिवेशन पर आते हैं, तो कौन कौन से फोर्सेस थे इसमें? ये जो टी है इसमें इसका हॉरिजॉन्टली इधर को जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है? टी कॉस साई। तो ये जो टी कॉस साई है ये किस फोर्स से बैलेंस होगा? इस टी नॉट वाले फोर्स से, ये इक्वेशन बन गई। और जो ये डब्ल्यू एस वाला फोर्स होगा, ये डब्ल्यू एस वाला फोर्स किससे बैलेंस होगा? ये मैंने जो आपको अलग से डायग्राम बताया, इसका जो टी का वर्टिकल कंपोनेंट है, जो ऊपर को लगेगा टी का वर्टिकल कंपोनेंट, वो इस डब्ल्यू एस से बैलेंस रहेगा, टी साइन साई। अब हमने जो जितने फोर्सेस थे लिए थे वो काउंट भी कर दिए और ये भी देख लिया कि कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है। इसे इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड कर लेते। अगर इक्वेशन टू को इक्वेशन वन से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इसे इसको डिवाइड करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टैन हो जाएगा, टैन साइन, और इधर क्या आएगा? डब्ल्यू एस अपॉन टी नॉट। और ये जो टी नॉट है, इस टी नॉट को हम मान लेते हैं डब्ल्यू सी। डब्ल्यू सी का मतलब क्या है? डब्ल्यू सी का मतलब इसकी जो भी चेन की सी लेंथ की, जो सी लेंथ हम लेंगे उसमें जो वेट इसका वर्क करेगा वो वेट कितना होगा, उसका पर यूनिट वेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने डब्ल्यू एस निकाला था। तो डब्ल्यू सी क्या हो जाएगा? सी लेंथ का वेट। अब इस टी नॉट की वैल्यू को अगर हम सब्स्टिट्यूट करें कहा, इस ऊपर वाली इक्वेशन में, तो क्या आएगा? डब्ल्यू एस, और टी नॉट की जगह क्या रख रहे हैं? डब्ल्यू सी इज इक्वल टू टैन साई, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी टैन साई। और यही आपकी क्या है? रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इंट्रिंसिक इक्वेशन है किसकी? कॉमन कैटेगरी की। अब मैं एक क्विक रिवीजन आपको करवा देता हूं। हमने एक कॉमन कैटेगरी ली थी बीएसी, और इस बीएसी में हमने एक पॉइंट कंसिडर किया था क्या? पी। और इस पी पॉइंट पे हमने फोर्सेस देखे थे कि हम, क्योंकि हमने इस एपी पे फोकस करना है, इस एपी वाले पार्ट में जो इस ए से पी तक की चेन की लेंथ है उसको हमने मान लिया स्मॉल एस, और इसका जो वेट पर यूनिट लेंथ है वो क्या है? वो हमने माना है स्मॉल डब्ल्यू। तो इस ए से पी तक का जो टोटल वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? डब्ल्यू एस। यहां से यहां तक का जो टोटल वेट हो जाएगा डब्ल्यू एस। ये डब्ल्यू एस कहां की डायरेक्शन में काम करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब पी की डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा टेंजेंट की डायरेक्शन में, उसको हमने टी ले लिया, टेंशन ले लिया हमने टी, और ये साई एंगल बना रहा है किससे? एक्स एक्सिस से। इस ए पॉइंट पर हॉरिजॉन्टली कौन सा फोर्स वर्क करेगा जिसको हमने टेंशन माना हुआ है? वो है टी नॉट। अब ये जितने भी फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के बैलेंस करेंगे। तो हमने इस टी जो टेंशन ली थी इसको दो डायरेक्शन में डिवाइड कर दिया, दो कंपोनेंट्स इसके होंगे, एक टी कॉस साई और एक टी साइन साई। तो टी कॉस साई इधर को लगेगा, टी कॉस साई इधर को लगेगा, तो वो टी कॉस साई किससे बैलेंस होगा? टी नॉट से। और टी साइन साई ऊपर को लगेगा, वो किससे बैलेंस होगा? डब्ल्यू एस। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गए, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद डब्ल्यू एस अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया? टेन साई। अब ये टी नॉट जो है उसको हमने मान लिया डब्ल्यू सी, डब्ल्यू सी का मतलब सी लेंथ का जो टोटल वेट होगा वो टी नॉट मान लिया, इसको सब्सिट्यूट किया यहाँ पे, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो गया, तो एस इज इक्वल टू क्या आ गया? सी टेन साई। और एस इक्वल टू टी सी टेन साई इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ कॉमन कैटेगरी, वेयर एस इज द स्मॉल लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द कैटेगरी, सी सी जो बेसिकली जो डिस्टेंस होती है वैसे स्मॉल सी, हम इसको भी मानते हैं कि जो इसका ये लोएस्ट पॉइंट है वो इस ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, सी, एंड टेन साई, साई इज द एंगल ऑफ द टेंजेंट मेड बाय द टेंशन एट पॉइंट पी।
तो ये इंट्रिंसिक इक्वेशन हो गई किसकी, कॉमन कैटेनरी की।